हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कैपिटल बजटिंग, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, कुछ मेथड्स पढ़ा था, पर मैंने कहा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बता दूँ, इंटरनल IRR बोलते हैं इसको। नाम लिख दूँ क्या? हाँ सर, आप नाम लिख दीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, IRR बोलते हैं। सर है क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? पहली बात तो आप अच्छे से समझ लीजिए, फाइनल में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फाइनल में बॉन्ड यील्ड्स, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ लीजिंग करके एक चैप्टर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लीजिंग, तो उसमें भी इसका बड़ा यूज है। तो अगर आपको फाइनल में, CA फाइनल में बॉन्ड्स वैल्यूएशन एक चैप्टर है, उसमें समझना है बहुत सारी चीज़ें समझना है। अगर SFM में, SFM करके एक सब्जेक्ट है, SFM में ये जो है ये बेस है, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और आज मैं डिटेल में चर्चा करूँगा किस बात के, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो CA फाइनल SFM दे रहे वाले हैं, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज है। सर है क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पहले डिस्कस कर ले। यस, सुनना ध्यान से, सुनोगे बेटे? तैयार हो? यस। मान लो ये आपकी कंपनी, ठीक है जी? ठीक है सर। और आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आपको लगाना किसी प्रोजेक्ट में पैसे, और कितना रुपए लगने वाला है? टोटल मिलाकर आपको 10 लाख रुपए लगने वाला है। और उस प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा लगा लेते हैं, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा लेते हैं, कितना पैसा लग रहा है? 10 लाख। तो सर पहले ये बताओ कि ये 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? हाँ, ये जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, ये किसी ना किसी से तो मैंने लिया होगा पैसे। यस, मैंने ये पैसे पब्लिक से लिया। कितना रुपए लिया? 10 लाख रुपए मैंने पब्लिक से उठाया, इसको बोला जाता कैपिटल। तो सर आपने जिससे भी पैसे लिए हैं, क्या आपको फ्री में अरेंजमेंट हो गया है वो फंड? नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसे लगे होंगे, इस कैपिटल का कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आया होगा। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 10% पर एनम। अब भाई जिन भी लोगों से मैंने पैसे उठाया है, जिन भी कैपिटल प्रोवाइडर से मैंने कैपिटल उठाया है, पैसा उठाया है 10 लाख रुपए मुझे इस प्रोजेक्ट में लगाना है, तो उसका कॉस्ट मुझे कितना पड़ा? उसका कॉस्ट पड़ा 10% पर एनम। और अगर मैं प्रोजेक्ट में लगा देता हूं 10 लाख, तो हर साल मुझे कम से कम कितने परसेंटेज की कमाई होनी चाहिए? क्या ये आप निकाला जा सकता है? हाँ, कैसे निकाला जा सकता है ये मैं निकालना सिखाऊंगा। मैं ये तो अनुमान लगा सकता हूं ना कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में कितने रुपए की कमाई होने वाली, कैश इनफ्लो कितना आने वाला है, क्या एस्टिमेशन किया जा सकता है? हाँ, ये तो मैं आपको पहली क्लास से समझाया कि एस्टिमेशन तो किया जा सकता है, उसी के हिसाब से मैं रेट निकाल लूंगा कि मेरी हर साल ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है। और आंसर आया, बेटे कि सर हमारी जो कमाई हो रही है वो कमाई हो रही है 12% की। कमाई को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब सवाल ये है कि आप जो है कितना परसेंट है? 10%। और कमाई कितने की हो रही है? 12%। बिट्टे सोच के बताओ, ये मुझे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सोचो बेटे, सोचो। सर जिन लोगों से पैसा उठाया है उनको देना कितना है? 10% सिर्फ, जबकि उन पैसों को यूज करके हम कितना कमा रहे हैं? 12%। क्या हमें प्रोजेक्ट में
पैसा लगाना चाहिए? आंसर है हाँ। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि सर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे क्या निकालना सिखाना है? मुझे आपको क्या निकालना सिखाना है, समझने की कोशिश करना। ये जो 10% है, ये तो निकालना हमने किसी चैप्टर में आपको सिखाया है। अभी कैपिटल बजटिंग में ये वाला जो रेट है ये दिया रहेगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको तो ये निकालना सिखाऊंगा मैं कि ये 12% कैसे निकाला जाता है। और अगर मान लो कमाई 12% की नहीं होती और कमाई होती 9% पर एनम की, तो बताइए मुझे क्या प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि मुझे कम से कम कितना कमाना, 10%। अगर इससे कम की कमाई होती है, खत्म, छोड़ दो। अगर इससे ज़्यादा की कमाई होती है तो पक्का एक्सेप्ट करो। इट मीन्स IRR क्या है? IRR एक ऐसा रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि फर्म कमाती है या कमाएगी। किससे कमाएगी? प्रोजेक्ट से कमाएगी। लास्ट तक जितना भी कैश इनफ्लो है उसको देखते हुए IRR एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म अर्न करेगी, रियलाइज करेगी इस प्रोजेक्ट से। डिसीजन कैसे लोगे? अगर IRR ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो एक्सेप्ट कर प्रोजेक्ट। अगर IRR कम है तो रिजेक्ट कर दो। पर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है और क्वेश्चन पूछ रहा दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट करो, तो पहले शर्त कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा की कमाई होनी चाहिए, और दो प्रोजेक्ट में जिसमें IRR ज़्यादा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, ये क्या बेटे, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया कि IRR से कैसे काम करना। अभी मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो सर इसको एक बार लिख ले क्या? यस, लिखते हैं जी। दो तीन पॉइंट है, मैंने कहा बहुत सारी चर्चा करनी है, आज की क्लास पूरी इसी में निकल जाना। पर एक बात सच्चाई ये है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, आज की क्लास थोड़ी सी हैवी लगेगी, पर याद रखना ये सीख लिया ना, आज की क्लास सीख लिया, यकीन मानना मुझे याद करोगे पक्का। ठीक है सर, तो पहले लिख ले सर थोड़ा बहुत। यस, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। IRR इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट इज दैट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड from the project till maturity। अभी तक सर और बस IRR पे शॉर्ट नोट भी आता है सवाल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका CA फाइनल SFM है तो पक्का ये लेक्चर देख लेना भाई, क्योंकि बॉन्ड यील्ड निकालने में आपको बात समझ में आएगी, बहुत जगह काम आने वाला। बॉन्ड की बात नहीं करो, और भी जगह काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इसमें क्या और भी पॉइंट आएंगे? यस, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट नोट बन जाएगा आपका, बड़े सारे पॉइंट आने वाले। पर उस पॉइंट्स को लिखवाने का मतलब ही नहीं है अगर आपको बात समझ में नहीं आती। पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेज ऐसे ही रहने दो, मैं कॉन्सेप्ट समझाते जाता हूँ, आप सुनते जाना आराम से, एग्जाम्पल के थ्रू काम करेंगे, पूरा काम एग्जाम्पल के थ्रू। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छे से देखना बेटे, और इसमें आप एक्सपर्ट हो, इसमें मुझे आप ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। देखा एग्जाम्पल नंबर 1, कैश आउटफ्लो कितना है? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये आज मैं किसी प्रोजेक्ट में लगाऊंगा पैसा, 1,00,000 रुपये मैं बैंक में जमा करूंगा। प्रोजेक्ट छोड़ो यार, मैं 1,00,000 रुपये बैंक में जमा करता हूं, और बैंक वाला 14% पर एनम इंटरेस्ट देता है, 14% पर एनम।
मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, बैंक वाला दे रहा 14% पर एनम, बता सकते हो 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा ये आपको निकालना। और पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ ना कहा जाए तो हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा कंपाउंडेड एनुअली, ये तो हमको अच्छे से पता है। तो सीधी सीधी बात कि कैश इनफ्लो 4 साल बाद, अगर 14% पर एनम की मेरी कमाई होती है हर साल, तो बताओ 4 साल बाद कितना आएगा, सिंपल। तो देखते कैश इनफ्लो इज इक्वल टू, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू, आज कितना पैसा लगाया 1 लाख, 1.14, पावर कितना आ जाएगा 4। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा कर ले चल रहा हूँ, ठीक है, 1.14 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू 1 लाख, तो आंसर आ गया बेटे रुपीस 168896। सीधी सी बात है, कैश इनफ्लो 1 लाख क्या है, कब का कैश, आज का, इनटू मतलब ये क्या है प्रेजेंट, ठीक है इतना 1.14 पावर, तो इतना आ गया 168896, इट मीन 4 साल बाद की कमाई है 168896। यहाँ तक ठीक है, ओके। फिर से पूछ रहा हूँ, आंसर चाहिए मुझे, आज कितना पैसा लगा रहे हो 1 लाख, कितने परसेंट पे 14% पे, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो पैसा कितना आ रहा है 168896, कोई शक इसमें नहीं। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सोच समझ के बोलना कि सर जी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आज मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, आंसर चाहिए बेटे सोच समझ के, आज मैं किसी बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कितने परसेंटेज पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4 साल बाद जब मैं पैसे निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 168896, इतना पैसा मिलता है, बताइए कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, 14%, दिस इज IRR। सीधी सी बात है यार, आज लगा रहा हूँ 1 लाख, 4 साल, ये लो ना एग्जाम्पल ही ले लो बेटे, ये दिख रहा है आपको अगला एग्जाम्पल, हाँ सर, आज कितना रुपए लग रहा है 1 लाख, और 4 साल बाद कितना मिल रहा है 168896, बताओ कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, दिस इज IRR। ये निकाल लिया ना, बात खत्म सर, 14%, बिल्कुल सही, 14% निकालोगे कैसे सर, सबसे मुश्किल बात ये, और ये 14% निकालना सीख लिया मतलब यार IRR खत्म, बस। और फिर IRR निकल गया तो फिर मैं इसको कैपिटल बजटिंग में अप्लाई कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। सवाल है 14% कैसे निकाला जाए, तो मेथड्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं और हर मेथड्स का कहीं ना कहीं यूज है, तो आपको सारी बातें सारी मेथड्स बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं जो कहना चाहता हूँ बेटे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना, इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के लिए ना मुझे आपका साथ चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो इजीली हो जाएगा, ओके सर। सबसे पहले मेथड नंबर 1, थोड़ा सा इजी लगेगा, मेथड नंबर 1 आराम से सुनना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, कुछ बच्चों को लगता है सर तो बड़ा स्लो पढ़ा रहा है, बट लग जाने दो स्लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपके दिमाग में जब तक मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं डाल दूंगा तब तक मजा नहीं है। मेथड नंबर 1 क्या किया जाए, एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा लिख कर करें क्या, लेट एज्यूम IRR BR, मतलब सर, मतलब देखो बेटे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई, क्या हमको ये मालूम है, हाँ सर 1 लाख तो मालूम है, क्या हमें 4 साल बाद मालूम है, यस ये भी मालूम है, तो सर इसको R ले लो ना, क्या फर्क पड़ रहा, ओहो बिल्कुल सही, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर 1 लाख
1 plus r to the power 4 is equal to 168896. क्या बात हो सकती है? हाँ हो सकती है. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? 1 plus r power 4 168896 डिवाइडेड बाय 100,000. तो 1 plus r इज इक्वल टू 1.68896. या तो आप स्क्वायर रूट कर लो या क्या कर लो, पावर 1/4. 4 को हटाकर मतलब दो बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. तो 1 plus r इज इक्वल टू 1.68896. 1, 2. तो अगर 1.139 तो 1.14 लिख सकता हूँ. यस, तो 1 माइनस हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 0.14, दैट इज 14%. तो ये एक मेथड है IRR निकालने की. हालांकि आगे से मैं एक ही मेथड से करवाऊंगा, पर मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी काम के. क्या आसानी से निकल गया? हाँ सर. अब आपके मन में ना सवाल उठने लगे होंगे, सर अच्छा अगर यहाँ 3 होता तो, अगर यहाँ 5 होता तो. बेटे वो डर्टी पावर, डर्टी पावर तो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, अभी फिर से सिखा दूंगा. कोई देखे, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डर्टी पावर लगा देंगे. ओके, पर ये भी एक मेथड है IRR निकालने के लिए कि आज कितना पैसा लगाए कि 4 साल बाद हमारे पास इतना पैसा है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा. हाँ सर. क्या इसको मैं रफ कर सकता हूँ? हाँ, नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके. ओके सर, ओके. दूसरा मेथड क्या, और किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर दो. अब ध्यान से समझना, ध्यान से. मेथड नंबर 2, जिसको बोला जाएगा ट्रायल एंड एरर. अब मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है? मेथड नंबर 2 ये बोलता है कि सर जी IRR क्या है? एक डिस्काउंटिंग रेट, हम कितना कमा रहे हैं, अगर उसी रेट से मैं डिस्काउंटिंग कर दूं तो NPV 0 आना चाहिए. बाप रे बाप, क्या बोल क्या रहा है सर? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से समझना मैं जो बोलने जा रहा हूँ. IRR is a discounting rate at which present value of cash inflows are equal to present value of cash outflows. सर क्या मतलब है? मतलब हम ऐसे डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंटिंग करें, किसको? ये 4 साल बाद के कैश फ्लो को, कि हमारा डिस्काउंटिंग करने के बाद आंसर 100,000 ही आ जाए. तो जिस रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो वही तो हमारी कमाई होगी. फिर फाइनली समझने की कोशिश करोगे फिर से. मैं फिर भी यहां और इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा समझा रहा हूं. IRR P
VCO is equal to PVCI, present value of cash outflow is equal to present value of cash inflow. आउटफ्लो कितना है? 1,00,000. और इनफ्लो कितना है? 168,896. पर ये कब का है? आज का. ये कैश इनफ्लो कब का? 4 साल बाद का. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. कौन से साल का? 34 साल का. कितना परसेंटेज? एक्स परसेंटेज. यही तो मुझे नहीं मालूम. तो क्या वैल्यू निकाला जा सकता है? यस. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ ईयर इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 168,896. चेक करो कितना आ रहा है. 1,00,000 डिवाइडेड बाय 168,896 चाहिए 0.592021 ले देता हूँ. 4 डिजिट में अगर 0.5921. इट मीन्स समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ यार अगर फोर्थ ईयर का फैक्टर ये ढूंढना पड़ेगा फोर्थ ईयर में किस रेट पर किस डिस्काउंटिंग रेट पर ये फैक्टर आ रहा है. फोर्थ ईयर में किस डिस्काउंटिंग रेट पर ये वाला फैक्टर देख रहा है. ये वाला फैक्टर हमको ढूंढना है. काफ़ी कुछ जगह टेबल भी अवेलेबल हो जाती है. मैं वो टेबल भी आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि उसके बिना मैं ये मान के चलूँ सब सीख लो भाई सब सीख लो सारी चीज़ें सीख लो. और क्यों? क्योंकि CS वगैरह में ना टेबल प्रोवाइड की जाती है. तो टेबल में कैसे काम करोगे? मुझे कौन सा 0.5921 ढूंढना है? कौन सी ईयर में ढूंढना है? फोर्थ ईयर में ढूंढना है. हे भगवान फोर्थ ईयर. ओहो ये होती है टेबल. और इधर दिया ईयर और इधर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. फोर्थ ईयर कहाँ? ये है भाई फोर्थ ईयर. देखा? हाँ सर फोर्थ ईयर. कौन सा वाला फैक्टर ढूंढना है? क्या चाहिए क्या चाहिए हमको? 0.5921. भगवान 0.5921 0.5921 कहाँ है ही नहीं. ओहो मिल गया भाई मिल गया. यस कितने परसेंटेज पे मिल गया? 14% पे मिल गया. तो IRR कितना है? 14%. खत्म. कुछ नहीं करना है. टेबल ढूंढना है और आंसर निकालना है. क्योंकि CMA या CS फाउंडेशन में टेबल दिया रहता है एग्जाम में तो बड़ा आसान काम है. ओके सर फिर तो बड़ा इजी हो गया ये. यस तो अब टेबल देखना आया. ये ईयर है और ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज मैंने ले लिया. तो बस लिखने का काम बाकी है. तो लिख सकते हैं रेफर टू एनुटी टेबल प्रेजेंट वैल्यू टेबल लिख दूं इन फोर्थ ईयर एंड वी गेट IRR इज इक्वल टू 14%. बात खत्म. तो यह भी एक तरीका है. कैसा लगा सर? अच्छा तो लगा. एक दिक्कत है. मजा आया. लिख इसको नोट कर लेना साथ साथ. पर सर भगवान ना करे टेबल नहीं दिया हो तो वैसे भी तो CA में तो टेबल दिया ही नहीं रहता फिर कैसे करोगे? हाँ मुद्दे की बात है कि CA वाले बच्चे कैसे करेंगे जिनको एग्जाम में टेबल ही नहीं दिया है. टेबल नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन के नीचे फैक्टर दिया रहेगा. सर वो भी नहीं दिया मान लो दिया है ही नहीं है टेबल ना छोड़ो अब कैसे करोगे? पहला वाला मेथड लगाएंगे. सर पहला वाला मेथड भी नहीं लगाना है. ओके तो अब सुनो अब मेथड नंबर 3. अब ध्यान से समझना मेरी बात को. अब इम्पॉर्टेंट है. इसको रफ कर दूं.
मेथड नंबर 3। आईएनआर एक ऐसा रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल होता है, बराबर होता है, उसी रेट से डिस्काउंटिंग करना। एक बात बताओ, अगर हम ऐसा रेट ढूंढ रहे हैं जिसपे पी वी सी ओ इज इक्वल टू पी वी सी आई, इसका मतलब एन पी वी इज इक्वल टू जीरो, यही बात हुई। तो अब मैं उस मेथड से कर रहा हूँ, IRR is a discounting rate at which NPV is equal to zero। और NPV निकालना हमको आता है कि हाँ सर NPV में दिक्कत क्या है, NPV तो ना जाने कितने बार निकाला हम लोगों ने, NPV is equal to PVCI minus PVCO। अब सवाल ये है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ कब, 1 लाख आज, पैसा आएगा कब, 34 साल में, तो इसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यस, किस रेट से, यही तो चाहिए ना सर, आप कैसे एनपीवी निकाल सकते हो बेटे। इसे बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब पहले टारगेट क्या है, कास ऐसा, फिर से मैं अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, कास ऐसा डिस्काउंटिंग रेट मिल जाए, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जिसपे एनपीवी कितना आ जाए, जीरो। अब डिस्काउंटिंग रेट कितना हो सकता है, सोचो कहाँ से शुरुआत करें, डिस्काउंटिंग रेट कितना हो सकता है यार। कुछ और भी टेक्निक है डिस्काउंटिंग रेट ढूंढने की, कि पहले ऑन एन एवरेज कर लो फिर उसके हिसाब से, पर मैं कहता हूँ इतना बहुत ज़्यादा हम टेंशन नहीं ले रहे, एक कोई भी एक रेट उठाते हैं, कौन सा रेट ले, 10% ले लेते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 10% पर NPV किया जाए जीरो, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड। सर 15 भी ले सकते हैं कि 20 भी ले, जो मर्जी ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेट कैसे उठाना ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, पर अभी टारगेट है IRR अच्छे से। तो कितना परसेंट ले ले पहले, 10%, लेट एज्यूम IRR इज इक्वल टू 10%, और NPV भी निकालने की कोशिश करेंगे। वन सिक्स डबल एट नाइन सिक्स मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितने परसेंट का, 10% का, कितने साल का, 14 साल, माइनस कितना कर दोगे, 1 लाख। तो 168896 इंटू 1 / 1.10, 1, 2, 3, 4, 0.6830, 4 डिजिट में ले रहा हूँ मैं। हे भगवान NPV जीरो आ जाए, बस 168896 इंटू 0.6830 माइनस 1 लाख। ओहो NPV जीरो नहीं आया, 15,336 ले लेता हूँ, 356। NPV जीरो लाना था, NPV जीरो नहीं आया, अब क्या करें, अब दूसरा रेट लो भाई, अब और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बस यही काम, सर यही काम करेंगे क्या, हाँ बेटे यही काम करो, 10% पे तो नहीं आया। एक खास बात समझना है, हमने NPV खूब किया तो हमको एक बात मालूम है, जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा होते जाता है, जैसे जैसे डिस्काउंट, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, यही तो है यार कॉन्सेप्ट, तो वही रहा हमेशा। तो जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा NPV कम होगा, जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा NPV गिरेगा, और मुझे NPV कम ही तो लाना है। ओके, तो सर इसका मतलब डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, यस, कितना ले, 15% ले लेते हैं,
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 15% पे एनपीवी जीरो आ जाए। चलो आओ कोशिश करते। सर आंसर तो आपको पता है ना? हाँ बेटे मान लो मुझे पता नहीं है आंसर। लेट एज्यूम IRR इज इक्वल टू 15%। और भगवान इस पर NPV जीरो आ जाना चाहिए और आ गया तो मैं पार्टी दूंगा। ओके 168896 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% 400 माइनस 1,00,000 168896 × 1/1.15 1, 2, 3, 4 0.5717 माइनस 1,00,000 168896 × 0.5717 माइनस 1,00,000 और प्रॉब्लम 3442 आया है पर ये माइनस में आ गया। 15% पे भी बात नहीं बनी। अब बताओ क्या 15 से ज्यादा लेना है? नहीं सर 15 से कम लेना पड़े, एनपीवी जीरो लाना है। ओ सर 10% से ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल सही। और 15% से कम? हाँ ओके। अब कुछ जुगाड़ हो सकता है कि मुझे इतना समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच का है। 10% से ज़्यादा है और 15% से कम है। 10% से ज़्यादा 15% से कम। अब इसको ना मैं चार्ट के थ्रू समझाने की, ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा काफी जो। सुना छोटा सा बनाया एक्चुअल में इस, बिल्कुल आप मेजरमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए। सुनो ये है IRR वाला रेट, डिस्काउंटिंग रेट। ये है डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट जीरो है, 5% है, 10% है। थोड़ा दूर लिखूं क्या? 10% है और 15%। जब मैंने डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट लिया? 10%। तो इधर लिख देता हूँ NPV। जब मैंने डिस्काउंटिंग रेट लिया 10%, तो NPV ये आया था। यहाँ कितना आया था NPV? 10% पे, मतलब यहाँ कहीं 10% पे। और NPV कितना आया था? NPV आया था 15,356। यहाँ 15,356 यहाँ कहीं होगा। पर जैसी ये जीरो है NPV, ये धीरे धीरे, और जैसी मैंने रेट बढ़ाया तो मालूम मेरा NPV आ गया और माइनस में आ गया। और कितना आ गया माइनस में? 3442 इधर आ गया माइनस, 3442 माइनस में नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ सर, ठीक से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो IRR है IRR वो ऐसा जा रहा होगा, यस इस तरह से जाता होगा यहाँ 3442। मतलब सर IRR जो है वो यहाँ कहीं आएगा। हाँ बेटे हाँ, ये यहाँ आएगा 10% से ज़्यादा, पर 10% पे NPV पॉजिटिव है। जैसे ही 10% से हम आगे बढ़ते हैं तो NPV कम होता पर यहाँ कट रहा है दिस। और यहाँ जो नाम आएगा ना, इसी का नाम क्या रहेगा? IRR। ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके इट मीन्स 10% और 15% के बीच में रहेगा। अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व की बात करूँ, ये सब टेक्निकल चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना सर, सॉल्यूशन कैसे होगा ये बता दो। ठीक
हाँ जी सुनोगे बेटा, अब ध्यान से समझना, इसको बोला जाता है इंटरपोलेशन, जो मैं करने जा रहा हूं पर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। दस परसेंट पर एनपीवी आ रहा है 15,356 पॉजिटिव, ठीक है जी, और 15% जब लिया तो एनपीवी आ रहा है 3,442 नेगेटिव। तो जैसे ही मैं 5% से बढ़ाता हूँ तो एनपीवी में भी चेंज हो जाता है, एनपीवी भी डाउन हो जाता है। सुनो, डाउन कितने से होता समझना, पहले 15,000 रुपये था, 15,000 से जीरो हुआ और जीरो से भी माइनस में आ गया। इट मीन्स 15,000 रुपये का चेंज नहीं हो रहा है, 15,000 रुपये से ज़्यादा का चेंज हो रहा है, मतलब 15,000 से जीरो और जीरो से फिर नेगेटिव। गैप दिख रहा ना आपको, तो 15,356 प्लस 3,442, इसका मतलब यहाँ जो गैप आ गया 18,798। मैं फिर से समझाऊँ इसको क्या, सर फिर से समझाऊँ, देखो सुनो बेटे, बात बड़ा सिंपल है। पहले एनपीवी कितना था 15,356, उसके बाद एनपीवी कितना आना चाहिए था जीरो, पर जीरो ना आके वो हो गया 3,442। बता सकते इन इसके बीच में गैप कितना, गैप ही तो निकालना, और गैप कितने का 18,798, ठीक है। हाँ जी, अब सवाल ये सर, ये मेथड तो बड़ी टेक्निकल लग रही है। हाँ सीए वाले भाइयों, आपको टेबल नहीं दिया रहेगा, आपको इसी मेथड से काम करना पड़ेगा। क्या जिंदगी में कभी यूनिटरी मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड 5% का गैप, इतने रुपए का गैप, 5% जैसे ही बढ़ाता हूँ गैप आता है इतने रुपए का, इतने रुपए से डाउन हो जाता है, पर मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे जो है मुझे तो जीरो लाना, मुझे बस ये 15,356 को एलिमिनेट करना, हटाना है। तो कैसे कर सकते हैं बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है, अब सुनना ध्यान से, मैं जो करने जा रहा हूँ IRR इज इक्वल टू 10% प्लस, गैप कितना है 5%, 5% का गैप है 18,798, इतने गैप के लिए 5%, तो 15,356, इतना डाउन करवाना, मुझे एनपीवी जीरो लाना है, तो इतने गैप के लिए कितना परसेंटेज, खत्म। क्योंकि मुझे ये जो आंसर ऊपर, सर ऊपर परसेंटेज के ऊपर फिगर भी तो लिख सकते थे बेटे, मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो ऊपर परसेंटेज या 5% मतलब 5 लिख देना बस, बाकी यूनिटरी मेथड कर लो भैया, वो यूनिटरी मेथड करवाऊंगा तो उसमें तो बिल्कुल ईजी यूनिटरी मेथड आता है आपको, 5 divided by 18,798 into 15,356 plus 10, 14.08%, this is IRR sir। एक्चुअल में तो आंसर 14% है ना, हाँ, पर ट्रायल एंड एरर मेथड में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, और 0.25% तक वेरिएशन चल जाएगा, इसका मतलब अगर आंसर 14% है तो 14.25 तक चलेगा, इधर 13.75 तक चलेगा, 0.25 का वेरिएशन चलता है ऊपर नीचे। ओके सर, सर लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हाँ, क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये इसमें सर, इसमें थोड़ी सी मेहनत इन्वॉल्व है, यस, पर सुनो इम्पॉसिबल नहीं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार बड़ा मुश्किल है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, बस एक बार कर लिया तो बस एक बार समझ में आनी चाहिए बात, अभी मैं इस पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, आराम से हो जाएगा।
सर मेथड नंबर वन में कुछ नहीं है सीधा आंसर, मेथड नंबर टू में टेबल देख के आंसर, मेथड नंबर थ्री में इतना लंबा चौड़ा काम, क्या ज़्यादा इजी। सर मेथड टू, पर मेथड टू में तो टेबल नहीं है। सर मेथड वन, मेथड वन हर जगह नहीं चल सकता, आपको सीखना ही पड़ेगा मेथड नंबर थ्री। तो अभी तक जो बात समझ में आई वो बात आई कि IRR निकालने के लिए हमारे पास टोटल मिलाकर तीन मेथड्स है, और तीन मेथड्स में से इसी मेथड का यूज अगर हम सीख लें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर इसको अगर सीख लिया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी, बेटे ये इस मेथड की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक रेट ले लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट 10%, पहले 10% से डिस्काउंटिंग करते, भगवान से प्रार्थना करते NPV जीरो आ जाए, नहीं आया तो फिर देखेंगे कि रेट कम लेना कि ज़्यादा लेना है, उस हिसाब से काम करेंगे, और फिर उसके बाद इंटरपोलेट करेंगे, इंटरपोलेशन ये हो गया, बात खत्म, NPV आ जाएगा। याद रखना एक पॉजिटिव NPV होना चाहिए, एक नेगेटिव, उसी के बीच का जीरो होगा। इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है सर, यस प्रैक्टिस, तो चले आगे, अब तैयार हो, अब आपका नंबर ये तो टेबल आ गए हैं, ये क्वेश्चन कैश आउटफ्लो, पैसा जा रहा, कितना जा रहा, 150,000, कितने परसेंट पे, 12.25% पर है ना कैश इन, ये तो इजी हो गया, ये तो IRR का नहीं है। अच्छा ये मैंने इसलिए बनाया कि ऐसा पहले मैं कैश इन्फ्लो निकालूँ और फिर पूछूँगा IRR, चलो ठीक है। अगर इसका आंसर देखो, इसके आंसर में तो कुछ खास बात होगी नहीं, 150,000 कैश इन्फ्लो इज इक्वल (1.1225)/3। अब कुछ बच्चे बोलते हैं 1 point क्यों लिया, या फिर कुछ बच्चे बोलते 0.909 कहाँ से आ गया, बेवकूफ़ी वाली बात आप करोगे नहीं क्योंकि इतने तो समझदार हो गए हो। वैसे भी मैं NPV पढ़ा चुका हूँ, 1.1225 (= (150,000) आंसर कितना आएगा, 212153 ठीक। तो आज अगर मैं 1.5 लाख रुपए लगाता हूँ इस रेट पे 12.25% पे, तो 3 साल बाद कितना मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा 212153। अब क्वेश्चन क्या आने वाला वो तो आपको पता है, क्वेश्चन क्या पूछूंगा, 1,50,000 रुपए आज लगाता हूँ और 3 साल बाद इतना आता है तो बताइए IRR कितना, यही पूछने वाला हूँ और यही क्वेश्चन है। कितनी मेथड है हमारे पास, तीन, और क्या आप कोशिश कर सकते हो, नहीं सर 3 साल है कैसे करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं तीनों ही मेथड से करवा देता हूँ, ओके, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन में तो बड़ा इजी लगता है मुझको भैया, 150,000 लेट वेट नहीं लिखा हुआ है ना, वो आप कर लेना, पावर थ्री 212153, तो 1,50,000 तो ये आ गया 1.414, लंबा सा 41435 ले लेता हूँ, पावर क्या करना पड़ेगा 1/3। अब सवाल इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये भी मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, बेसिक ऑफ फाइनेंस में तो पक्का करवाया हूँ। जैसे डर्टी पावर को कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 हो 1/7 हो, कैसे करते थे, 1.4143 / √ कितने बार, 12 बार, स्क्वायर रूट करना है कितने बार, 12 बार, एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर माइनस वन, फिर डिवाइडेड बाय पावर, फिर प्लस वन, फिर इनटू इक्वल टू कितने बार, बारह बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात ग्यारह बारह, आंसर आया 1.1225। तो R इज इक्वल टू सीधा लिख दूँ 12.25%। तो ये डर्टी पावर का खेल है, ये आपको पहले से पता है। स्क्वायर रूट कहाँ चेंज होता है सर, ये फिक्स रहना है कि यस, ये फिक्स रहना कि यहाँ बस ये पावर जो है ना, यहाँ 3 है, 1/7 होता तो 7 से डिवाइड होता, 1/8 होता तो 8 से डिवाइड, ये सब मैं बेसिक ऑफ फाइनेंस में कर बचूँ। तो ठीक है सर, ये तो मेथड में कोई समस्या नहीं थी, ये तो हम कर लेते, अगर आप नहीं भी बताते तो ये हमसे हो जाता। ठीक है जी, ओके सर, अभी क्या करना, मेथड नंबर 2 देखना। और मेथड नंबर 2 काम का मिट्टी, मेथड नंबर 2 बिल्कुल ध्यान से समझ रहा, मेथड नंबर 2 में जो बोलने जा रहा हूं वही PVCI एट IRR वाला। चलो ठीक है सर, उससे भी कर लेते एट IRR, PVCO इज इक्वल टू PVCI, एक लाख 50,000 इज इक्वल टू 212153 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कौन सी ईयर का देखना पड़ेगा, थर्ड ईयर का कितना परसेंटेज यही तो नहीं मालूम, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्ड ईयर ये डिवाइड हो जाएगा 150,000 डिवाइडेड बाय 212153। तो ये आ गया 0.7070। अब टेबल चाहिए और टेबल में हमको ढूंढना पड़ेगा 0.7070। टेबल रही है कौन सी ईयर में ढूंढना है, थर्ड ईयर 0.7070। हे भगवान, थर्ड ईयर में 0.7070707077, ये 12% और ये 13%, 7070 के लिए तो है ही नहीं है। इसका मतलब क्या 12% और 13% के बीच में है, यस। अब क्या करोगे, फिर वही काम करना पड़ेगा, समस्या तो यही है। 12% पे कितना आ रहा, 0.7118। क्या करें, मजबूर है, 12% पे आ रहा है फैक्टर 0.7118 और कितना परसेंट ले ले, 13% पे आएगा फैक्टर 0.6931। जबकि मुझे फैक्टर कितना चाहिए, एनपीवी की बात ही नहीं हो रही, मुझे फैक्टर चाहिए 7070। मतलब 7118 इसको डाउन करवाना पड़ेगा, 0.7118 को डाउन करवा के कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक माइनस 0.7070 तक पहुँचाना। मतलब इसको कम करना है, कितने से कम करना है, 0.0048। समझा रहा हूँ, जैसे ही मैं फैक्टर 1% से बढ़ाता हूँ, इसमें चेंज हो जाता 0.7118 से गिरकर हो जाता 0.6931, फैक्टर कम हो जाता है 0.0187 हो जाता है। जबकि मुझे इतना डाउन नहीं करवाना, मुझे सिर्फ इतना डाउन करवाना, इतने की ज़रूरत है सर। इसको कैसे करेंगे, इसको चलो करते हैं।
IRR is equal to बराबर प्लस वन ऊपर आएगा क्योंकि मुझे परसेंटेज में वन वन बढ़ता है तो यहाँ कितने से चेंजेस 0.0187 इतना फैक्टर, तो इतने फैक्टर के लिए कितना परसेंट 0.0048 के लिए कितना परसेंटेज, दैट्स इट। तो 1 / 0.0187 इंटू 0.0048 प्लस 12, तो आंसर आ गया 12.25% चल जाएगा 26। अब 1% के लिए आप रोना नहीं रोगे कि 1% का सर अंतर आ रहा है, चलेगा बेटे 12.25%। ये लो, कैसा लगा सर? बहुत गंदा था ये, यस वो तो मैं जानता हूँ। तो ये था मेथड नंबर 2, पर मेथड नंबर 1 और 2 में मजा नहीं, मेथड नंबर किस पे 3 में मजा। ओके सर, तो अब बिना टेबल वाला काम करते, टेबल ही नहीं है तो कैसे होगा? लास्ट मेथड नंबर 3, आराम से सुन। मैंने कहा आज की क्लास पूरा की पूरा किस पे लगने वाली है? IRR, बस वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम कोई भी एक NPV at IRR NPV is equal to 0 लिख लूँ क्या अच्छा लगेगा? At IRR NPV is equal to 0, और NPV का फॉर्मूला है PVCI माइनस PVCO। IRR फर्स्ट में डिस्काउंटिंग रेट 10% से उठाते हैं, देखते क्या होने वाला, क्या होने वाला सर? आंसर तो आपको मालूम ही, हाँ भाई हाँ, तो 10% से NPV इज इक्वल टू, अभी मैं PVF वगैरह ना लिखकर सीधा सीधा करूँ क्या? हाँ सर ठीक है, सीधा सीधा करो ना सर। 212153 कितने साल का फैक्टर? 3 साल का। 1 / 1.1013 0.7513 माइनस कितना करूँगा? 150,000। 212153 इंटू 0.7513 माइनस 150,000। NPV पॉजिटिव है, और कितने रुपए से पॉजिटिव? ₹9390। मतलब अब मुझे जो डिस्काउंटिंग रेट लेना है वो 10% से ज़्यादा लेना है, तो कितना ले लें सर? 15 ले लेते हैं, बिल्कुल सही डिस्काउंटिंग रेट। NPV is equal to 212153 into point 1 / 1.15 6575 minus 150,000। और नेगेटिव आ गया 10509, तो IRR आएगा 10% और 15% के बीच में। करते कैसे थे? 10% पर NPV है 9390, 15% पे NPV है 10509। जैसे ही मुझे 5% से मैं रेट बढ़ाता हूँ तो गैप आ जाता है, डाउन हो जाता है, 93
9390 प्लस 10509, तो ये आ गया 19899। पर मुझे इतना थोड़ी डाउन करवाना, मुझे तो एनपीवी लाना जीरो, मतलब मुझे 9390 डाउन करवाना। दैट्स इट, तो आईआरआर निकल गए फिर तो। आईआरआर इज इक्वल टू 10 तो आएगा ही आएगा, प्लस 5%, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज है तो ऊपर 5 हो जाएगा। कितना गैप? 19899, तो कितना गैप 9390 के लिए कितना परसेंटेज? तो 5 डिवाइडेड बाय 19899 इनटू 9390 प्लस 10, तो ये आ गया 12.36%। और मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा अंतर आएगा आएगा इसमें, ट्रायल एंड एरर मेथड। और पहले भी बताया 0.25% तक गैप चल जाएगा। ठीक है, तो IRR निकालने की टोटल मिलाकर कितनी मेथड हुई? 3। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि जो पहली मेथड है जिसमें हम टेबल नहीं देखते सीधा डर्टी पावर, वो हर जगह यूज नहीं होगी। सीधा कैश फ्लो लास्ट में आ रहा तो ठीक है, पर हर साल आएगा तो फिर वो मेथड नंबर वन यूज नहीं होगी। बुरा लेक्चर देखना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ सर हमको आईआरआर आ गया, गलत फहमी है। ओके सर, ये भी टेबल हो गई। हाँ, अगला एग्जांपल। अब बेटे अब काम की चीजें अब स्टार्ट हो रही हैं। कैश आउटफ्लो कितना? 125,000। और जिस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया हूँ उससे हर साल आ रहा है 40,000। IRR निकालना। अब सीधा लास्ट में नहीं आ रहा, जो लॉजिकल था भी नहीं आ रहा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ तो सीधा लास्ट में थोड़ी नहीं मिलेगा, हर साल आ रहा एक जैसा 40,000। अब आपका मेथड नंबर वन लग ही नहीं सकता, अब लगाना पड़ेगा मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू क्या? वन ही मान लो इसको, चलो मेथड नाम दिया हूं तो कम से कम अब कंफ्यूजन हो। एट IRR PVCO इज इक्वल टू PVCI, एक लाख 25,000, हर साल कितना आ रहा है 40,000। सुनना ध्यान से, मैं PVF नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्ट, क्यूमुलेटिव फैक्ट। कितने साल? 4 साल। कितना परसेंट? नहीं मालूम। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इज इक्वल टू 125,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये आ गया बेटे 3.125। अब हमको क्या टेबल ढूंढ देखना पड़ेगा, लेकिन ये वो वाली टेबल नहीं, ये क्यूमुलेटिव टेबल है। आप क्यूमुलेटिव वो तो आपको पता होगा ना यार, इतना ये वाली टेबल है। मैं तो आपको बेसिक ऑफ फाइनेंस में समझा रहा हूँ। कौन सी ईयर में ढूंढना है भाई? आपको फोर्थ ईयर में ढूंढना है 3.125। फोर्थ ईयर ढूंढो। फोर्थ ईयर कहाँ? ये फोर्थ ईयर 3.125 ओहो कहाँ गया 3.111। किस के बीच में आएगा सर? इन दोनों के बीच में आएगा ना यार, कैसी बात कर रहे हैं। 10% और 11% के बीच में। ओके, तो अब काम कर लेंगे। 10% पे 1699, 10 चलो रेट से लिख लेते, 10% पे है 3.1699, दिख रहा है ना रेट से? यस। और 11% पे 3.1024।
और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3.125। निकाल लो। जैसे ही हम 1% से बढ़ाते हैं तो चेंज हो जाता है, कितने का 3.1699 माइनस 3.1024, तो ये हो गया 0.0615। जबकि 3.1699 माइनस 3.125, हमें गैप तो सिर्फ चाहिए 0.0449, बस तो हो गए। IRR इज इक्वल टू 10% प्लस, ऊपर 1 आएगा नीचे आएगा 0.0675 इंटू 0.0449, 1/0.0675 इंटू 0.0449 प्लस 10, तो आंसर आ गया बेटे 10.66%। अब इसको चेक नहीं कर पाओगे, 10.66%। तो एक तो हो गया ये वाला तरीका, टेबल को देख, पर टेबल ही ना दिया हो तो बिल्कुल से फिर क्या करोगे सर, मतलब मेथड नंबर 3, अगर टेबल ही नहीं दिया है तो कैसे करोगे। फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, सबसे अच्छा तरीका IRR NPV is equal to 0, NPV निकालना हमको आता है, तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ डिस्काउंटिंग रेट, और किससे मान लेते पहले 10%, ठीक है, NPV निकाल लेते हैं। NPV इज इक्वल टू हर साल कितना आ रहा, 40,000। 10% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर चाहिए इस बार, है ना, 4 साल का, 1/1.10, 1, 2, 3, 4 और GT 3.1699 माइनस 125,000, 40,000 इंटू 3.1699 माइनस 125,000, 171,960, पॉजिटिव है 10%, 10% पे पॉजिटिव है, तो अब क्या करेंगे, अब लेना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट। इससे बड़ा वाला सर कितना ले रहे हैं, 12 ले ले सर, मैं तो 15 ही लूँगा भाई, हालांकि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पर फिर भी ठीक। NPV इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1/1.15, 1, 2, 3, 4 GT 2.8550 माइनस 125,000, 40,000 इंटू 2.8550 माइनस 125,000, तो ये आ गया माइनस में 10,800, ज़्यादा गैप ले लिया था एक्चुअली, तो IRR इज इक्वल टू सर अच्छे से लिख लेंगे इसको, चलो भाई ज़्यादा स्पीड से पढ़ाऊँगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आए, हालांकि इसमें तो अब एक्सपर्ट हो गए होंगे। हाँ जी, कैसे करते थे, 10% पे आ रहा है 1796, नेगेटिव कहाँ से आ गया, 1796, और 15% पे आ रहा है नेगेटिव 10,800, तो जैसे ही 5% बढ़ाते हैं तो गैप आ जाता है 10,800 प्लस 1796, 12596, जबकि मुझे चाहिए NPV 0, तो मुझे सिर्फ इतने से डाउन करवाना है,
IRR is equal to 10 plus 5 divided by 12596 into 1796. 5 divided by 12596 into 1796 plus 10, तो ये आ गया 10.71%. ये इतना सर इतना ये तो ज़्यादा वेरिएशन है. वेरिएशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने गैप ज़्यादा लिया. मुझे ना 10 और 12, 10 और 13%, क्योंकि एनपीवी सुनो इधर का वो एक्सपीरियंस से आ जाएगा. क्वेश्चन बनाओगे ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यार एनपीवी 1796 रुपया पॉजिटिव है, तो रेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा कम ले लेना. खैर ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया. तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हर साल कैश पैसा हर साल, तो मेथड नंबर 1 तो लगेगा ही नहीं, कोई डर्टी पावर नहीं, कुछ नहीं. या तो मेथड नंबर 2 या तो मेथड नंबर 3. लास्ट एग्जांपल. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सुनना ध्यान से. कैश आउटफ्लो कितना, 130,000 कैश इनफ्लो हर साल आ रहा है, ठीक है. पर हर साल जो आ रहा है ना वो एक जैसा नहीं आ रहा, हर साल अलग अलग आ रहा है. मेथड नंबर 1 नहीं लगेगा, मेथड नंबर 2 भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड नंबर 3 से ही काम करना पड़ेगा. इट मींस आपको एनपीवी ही निकालना पड़ेगा. तो सर एक बात है, एक ही मेथड सीख लेते ना, मेथड नंबर 3 मान के चलो कि हमारे पास टेबल ही नहीं है. बिल्कुल सही, आप ऐसा कर सकते हो, पर कभी ना कभी तो डर्टी पावर की जरूरत पड़ सकती है ना आपको. ओके, तो अब तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और उसी से मैं करवा रहा एट IRR NPV is equal to 0. तो पहले डिस्काउंटिंग रेट 10% से शुरुआत करें क्या? यस. शॉर्टकट से कर रहे हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 प्लस 55,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 4 माइनस कितना, 130,000. इसका शॉर्टकट आता है ना बच्चों? आपको सबको ऐसा लगता है कि आता है पर नहीं आता. कैलकुलेटर चलाना आता है ना अच्छे से. कैसे करूँगा फिर से देख लो. 50,000 सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ इसको हल्के में मत लेना. आपको ऐसा लगता है हमको सब आता है, नहीं बेटे. कैलकुलेटर चलाओगे कैसे चलाओगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, 35,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, 40,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस, 55,000 एक दो तीन चार एम प्लस MRC माइनस 130,000. तो ये NPV आ गया 11,998. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे किया. मैंने लिखा सबसे पहले 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, फिर क्या किया 35,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, क्योंकि 1.10 तो ऑलरेडी सेव हो गया. उसके बाद 40,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 55,000 चार बार इक्वल टू एम प्लस, MRC माइनस 130,000. ये सब कैलकुलेटर में प्रैक्टिस चाहिए आपको, इसके बिना नहीं होगा. अब डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट ले लेते हैं. अब डिस्काउंटिंग रेट 15%, वही हमारा फेवरेट. NPV निकालते हैं. पचास हजार डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2
40 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 3, 55,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4 माइनस 130,000। तो 50,000 डिवाइड 1.15 इक्वल टू एम प्लस 35,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस 40,000 एक दो तीन एम प्लस 55,000 एक दो तीन एम प्लस एम आर सी माइनस 130,000। तो ये आ गया एन पी वी 2309 2310 नेगेटिव। सर भगवान ना करे 15% पे भी पॉजिटिव होता तो INR ख़त्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन में बहुत सारी बातें डिस्कशन होंगी। ओके सर, अभी तो बस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सर, इसके बाद तो हम कर ही लेंगे। हाँ पर फिर भी मेरे साथ साथ जब इतना किया हूँ तो आगे भी कर देता हूँ। जब 10% लिया था तो NPV आ रहा था 11998, जब 15% ले रहा हूँ तो NPV आ रहा है 2310। इट मीन्स 5% जैसे ही बढ़ाता हूँ तो 11998 प्लस 2310 14308, जबकि मुझे क्या चाहिए 0, 11998 का गैप चाहिए कि IRR निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो IRR इज इक्वल टू 10+5 डिवाइडेड बाय 14308 इनटू 11998। 5 डिवाइडेड बाय 14308 इनटू 11998 प्लस 10 14.19%। बात खत्म। तो ये था हमारा IRR। और एक बात पूरी जितना भी अभी कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो उसका एक ही सारांश निकला, और सारांश क्या निकला कि भैया NPV वाले मेथड नंबर 3 से करते हैं, हर क्वेश्चन बनेगा। मतलब एक रेट एज्यूम करते उसके हिसाब से NPV निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, आंसर लाएंगे, बात खत्म। पर अल्ट्रा नहीं है कि IRR खत्म हो गया, बहुत सारी बातें समझानी है। क्या बातें समझानी है सर? IRR और NPV में एक जैसा रिजल्ट आता है कि अलग अलग आता है? सर NPV और IRR में अगर मुझे किसी मेथड से डिसाइड करना कि कौन किससे प्रोजेक्ट को करूँगा तो कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा कहलाएगा? सर IRR में कुछ कमियाँ है क्या कि उसमें जो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है वो गलत है? बस यही तो समझाना है आपको कि क्या होता है री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन जो कि IRR में गलत ले रखा, इसी की वजह से फिर मॉडिफाइड IRR आया कि मॉडिफाइड IRR क्या है, ये सब कुछ समझना है। पर वो एक साथ सब कुछ झेल ही नहीं पाओगे। अभी जो मैं IRR की बात कर रहा था, सुनना ध्यान से, मैं जो ये IRR की बात कर रहा था मैंने उसमें एक पॉइंट लिखवाया था बस, IRR इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज फ्रॉम द प्रोजेक्टेड मैच्योरिटी। पर अब हमने कहा ना कि अब हमारे पास एक दो पॉइंट और आगे लिखने के लिए, और वो पॉइंट क्या हो सकते वो भी मैं लिखवा के नोट्स अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ बस। मतलब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 की, IRR इज अ डिस्काउंटिंग रेट at which present value of cash inflows are equal to present value of cash outflow। और भी लिख सकते हैं इसमें, यही लिख दूं, और at which NPV is equal to 0 or at which PI is equal to 1
ठीक है, पी आई वन और पी आई का फॉर्मूला क्या है, पी वी सी आई डिवाइडेड बाई पी वी सी। और डिसीजन क्राइटेरिया भी लिख ही लेते हैं, फिर आगे और भी लिखने वाली बात है तो वहां लिख लेंगे डिसीजन क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर थ्री, डिसीजन क्राइटेरिया, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा हमारे लिए, तो डिसीजन क्राइटेरिया में दो प्रोजेक्ट हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल, अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजल है तो आईआरआर शुड बी इज इक्वल टू आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आईआरआर शुड बी हायर। अभी आईआरआर मैंने कहा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मतलब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें और भी बातें समझ में आएगी, तो एकाध क्लास, एक दो क्लास, एक क्लास और लगेगी सर जिसमें हम पूरी तरह से आईआरआर के क्वेश्चन बनाएंगे तो और चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें एनपीवी और आईआरआर में क्या अंतर है ये समझा। आज लंबी क्लास हो गई, थैंक यू, आज के लिए बहुत, थैंक यू सो मच।